बीवी की ख्वाहिश पर सीने के बाल साफ़ करना अगर किसी की बीवी इसके सीने के बालों को या जिसम के दूसरी जगह के बालों को पसंद ना करती हो तो क्या वो इन्हें हमेशा के लिए कटवा सकता है या नहीं मोहम्मद शाहिद कानपुर से मर्द जो है ना सीने के बाल या कहीं और जिसम में जो टांगों वागों के बाल होते हैं ये तो मर्दों के होते ही हैं और हमने कभी नहीं देखा सदियों तक मर्दों ने इनको काटने की कोशिश की वो कभी भी नहीं मर्दों में रिवाज चल पड़ा इन बालों को काटने का तो इसकी ज़्यादातर वजूहत वुजु, तो होती हैं जो जिनमें निस्वानियत होती है ना वो ये बालों को काटते हैं वरना मर्द तो नहीं काटते ये बाल तो हमेशा से रखते ही आए हैं जो अल्लाह ने कुदरती तौर पर मर्दों को सीने पर बाल दिए हैं या टागों पर बाल दिए हैं तो वो खुतिन की तरह वो भी शुरू हो गए हैं आज कल बालों को साफ़ करना तो पता नहीं क्या मकसद है उनका बाज़ मर्द ये कहते हैं कि हमारे सीने के बाल इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि उसमें पसीना जम जाता है बदबू आती है तो भाई रोज़ नहा लिया करो लेकिन बहरहाल इन बालों के काटने या ना काटने के बारे में हमारे पास शरीयत में कोई वाज हदीस या कुरान की आयत मौजूद नहीं है इतनी बात है कि तगीर खलकल्ला अल्लाह की तख्लीक़ को बिगाड़ना यह हराम है तो कोई मर्द अगर नस्वानियत के लिए औरत बनने के लिए कि मैं लेडीज़ थोड़ा ज़रा सा ऐसा चमकता हुआ नजर आऊँ तो इस तरह औरत बनने के लिए वो ये काम करता है यानी औरत तो नहीं बन सकता यानी औरतों की तो नीयत ये होती है ना कि जो है वो खूबसूरत बनना तो मर्द अगर ये काम खूबसूरती के लिए कर रहा है कि मैं देखने में औरत जैसा नजर आऊँ खूबसूरती से मुराद निस्वानियत वाली खूबसूरती तो फिर तो ये बिल्कुल हराम है लेकिन अगर उसकी कोई और मसल है जैसे बॉडी बिल्डर वो इसलिए करते हैं उनको मुकाबले में अपने कट्स वट्स दिखाने होते हैं हमें तो ये काम भी बड़ा बेहदा सा लगता है लेकिन खैर तो कोई और नीयत है या पसीना जम रहा है उसमें इस नीयत से बाल काटते हैं तो इनकी बेगम की ख्वाहिश है कि बाल काटो तो शायद उनको बदबू आती है उन बालों से तो अगर कोई माक़ूल वजह है तो काटने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये काम इतना मज़ेदार है नहीं पसंदीदा काम है नहीं क्योंकि इसका रिवाज जब मर्दों में आएगा तो और निसवानियत फैलेगी इससे जायज़ है इन तमाम तफसीत की रोशनी में लेकिन बेहतर नहीं है जो चीज़ जिस तरह सदियों से चली आ रही है उसको चलने दें हाँ अगर सीने के बाल बहुत बढ़े हुए हैं और बीवी को उससे तकलीफ़ होती है तो फिर एक अलग बात है उसको काट सकते हैं बीवी को तलाक़ और दूसरी बात ये भी है कि हमेशा के लिए तो भाई हमेशा के लिए तो क्या पता आपकी बेगम का इंतकाल हो जाए अल्लाह ना करे अल्लाह उनको ज़िंदगी दे फिर आपको दूसरी शादी करने की ज़रूरत पेश आए तो फिर वो नई वाली बीवी आए उसको बाल वो कहे कि भाई मर्दों के तो बाल होते हैं जिसम पे आपके तो बाल ही नहीं है मुझे तो ऐसा आदमी चाहिए जो जिसमें बाल वाला बंदा चाहिए और आप फारिगुल बाल हो गए तो हमेशा के लिए ना काटें मेरा ख्याल है उसको जो है वो एक ऑप्शन रखें अब आपकी बेगम कहेंगी कि क्या मैं मर जाऊंगी आप आपने ये समझा हुआ है कि मैं मर जाऊंगी तो आप बताएं कि जो है मुझे उम्मीद है तुम नहीं मरोगी लेकिन जैसे मैं भी तो मर सकता हूं ना तो तुम बेवा हो सकती हो तो ऐसा उल्टा भी तो हो सकता है ना तो आप उनसे कहें कि पचास फ़ीसद मेरे मरने के इमकान है पचास फ़ीसद तुम्हारे मरने के बल्कि और एहतियात में यूँ कहेंगे बेगम पिछहत्तर फीसद मेरे मरने के इम्कान है, है क्योंकि मैंने ज़्यादातर औरतें बेवा होते देखी हैं मर्दों की बीमिया की रिपोर्ट मरने की ज़रा कमी है तो आप कहें कि पिछहत्तर फीसद मेरे मरने का इम्कान है पच्चीस फीसद तुम्हारा इमकान है बल्कि यूँ और एहतियात कर लें कि पिछहत्तर फ़ीसद मेरे मरने का इम्कान है चौबीस फीसद तुम्हारे मरने का इमकान है और एक फ़ीसद हम दोनों के इकट्ठे मरने का इम्कान है कि एक फ़ीसद इस बात का इम्कान है कि इकट्ठे ही मर जाएं, तो अब वो उस चौबीस फ़ीसद की वजह से मैं एहतियात कर रहा हूँ कि भाई हमेशा के लिए ना निकालूँ